आगे बढ़ते हैं और उधर छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए कैंडी क्रश पर सियासत गर्मा गई है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया, बीजेपी के ट्वीट पर पलटवार किया है। पहले बीजेपी को एतराज था कि मैं गेड़ी क्यों चढ़ता हूं, ये मुख्यमंत्री ने पूछा। भौरा क्यों चलाता हूं, गिल्ली डंडे से क्यों खेलता हूं, प्रदेश में छत्तीसगढ़ या ओलंपिक क्यों हो रहा है। बता दें आपको, कल एक बैठक से पहले फोटो मिल गई जिसमें मैं कैंडी क्रश खेल रहा हूं। अब बीजेपी को उस पर भी एतराज है। दरअसल बीजेपी को मेरे होने पर ही एतराज है, कुछ ये शब्द छत्तीसगढ़ के मुखिया के हैं। छत्तीसगढ़ को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। सीएम भूपेश बघेल का दरअसल कैंडी क्रश खेलते हुए फोटो वायरल हुआ था और उसे ही लेकर बीजेपी ने तंज कसा था और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से ही पलटवार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा तो है नहीं। कभी चाय पी रहे तो उनको तकलीफ हो रहा है, कभी खाना खाते तो कभी तकलीफ हो रहा है, कभी मोबाइल में कोई अगर गेम खेल रहे तो उनको तकलीफ हो रहा है, कभी गिल्ली डंडा खेलते तो तकलीफ होता है, गेड़ी चढ़ते तो तकलीफ होता है, और कभी भौरा चलाते तो तकलीफ होता है, और ओलंपिक छत्तीसगढ़ या ओलंपिक करते तो तकलीफ होता है। भारतीय जनता पार्टी आखिर कहना क्या चाहती है? सीएम साहब जब भी वक्त मिलता है हेलीकॉप्टर में भी रहे तो कैंडी क्रश खेलते हैं और बहुत सारे चीज छत्तीसगढ़ के लिए चर्चा करते हैं। जब भी उन्हें अगर लगा 10 मिनट वक्त है तो अपना उसका समय वो उपयोग करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कैंडी क्रश खेलने से, भौरा खेलने से, गेड़ी चढ़ाने से, पिट्टूल खेलने से आखिर भारतीय जनता पार्टी की इतना आपत्ति है क्या, मैं इस चीज से पूछना चाहता हूँ। ये तो कभी उसकी ओर ध्यान दिए नहीं, गेड़ी की ओर ध्यान दिए नहीं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा संस्कृति को वो जिंदा रख ले, लेकिन उसमें भी अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर आपत्ति है तो इस पे मुझे कुछ नहीं कहना। और इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे, सीधे रुख करते संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ियावाद के बाद अब कैंडी क्रश को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है, लेकिन चुनाव से पहले जब जनता के बीच जाएंगे तो कैंडी क्रश काम नहीं आएगा। किसने कितना विकास किया है, किस सरकार में जनता को लाभ मिला है, जनता कहां खड़ी हुई है इस वक्त, ये सब चर्चा के विषय रहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है वो अब कांग्रेस के किसी भी बिंदुओं को छोड़ना नहीं चाह रही है। उसी कड़ी में कल बीजेपी ने जो कांग्रेस स्क्रीन कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय नेता भी शामिल हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में, उस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा कैंडी क्रश खेलते हुए फोटो जारी किया है, ट्वीट किया है और कहा है कि शायद मुख्यमंत्री को ये अंदाजा हो गया है कि इस बार उनकी सरकार नहीं आएगी, इसलिए वो इतनी बड़ी बैठक में रिलैक्स मोड पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो सरकार को और भूपेश बघेल को घेरते नजर आ रही थी। तो उसी ट्वीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया और कहा है कि बीजेपी को मेरे हर चीज से दिक्कत है और शायद उन्हें उनके होने से ही ऐतराज है, ऐसा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर जवाब दिया है। और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोई पहली बार ऐसी गेम नहीं खेल रहे, जब उन्हें मौका मिलता है तब वो कैंडी क्रश खेलते हैं। उसके साथ ही साथ वो एक ऐसे मंत्री हैं जो छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर काम करते नजर आए हैं, गेड़ी भौरा और उसके साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक मुख्यमंत्री ने कराया है उसके विरोधी जो है वो बीजेपी है और सरकार मुख्यमंत्री के हर एक मुद्दे पर उन्हें ऐतराज है। तो इस तरीके से कैंडी क्रश पर जो राजनीति है वो छत्तीसगढ़ में चरम पर दिखती नजर आ रही है। जी ठीक है, एक नया मुद्दा इस वक्त बीजेपी के हाथ लग गया है और उसे लेकर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है सरकार पर, कांग्रेस पर। फिलहाल शुक्रिया आपका गौरव जानकारी के लिए।